इंदौर से चलकर भोपाल आने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बे शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंच रही थी। उसी समय एसी कोच के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी मिलते ही WCR महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय भी मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। दुर्घटना नियंत्रण ट्रेन के साथ पटरी से उतरे कोच को फिर से पटरी पर लाने का काम चल रहा है। अपर ट्रैक जरूर बाधित है, मेन लाइन से जुड़े कोच को अलग कर दिया गया है। ट्रेन में 10 से 12 कोच थे। शुरुआती जांच में अब पता चला है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 आते समय यह हादसा हुआ। उस समय ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जनरल मैनेजर ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए।